हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी बाइक है या फिर फोर व्हीलर है और ऐसे में आपकी गाड़ी का जो चालान है वो कट गया है, ठीक है, तो ऐसे में आपका जो चालान है अगर आप नहीं भरते हैं 3 मंथ तक, तो आपका जो चालान है वो वर्चुअल कोड में चला जाता है। अब क्या होगा, जैसे कि अगर आप फिर भी वर्चुअल कोड में जाने के बावजूद भी अगर आप पे नहीं करते हैं तो कुछ दिन बाद आपके घर पर संबंध चले जाएंगे, ठीक है। संबंध का मतलब है 2-3 बार जाएंगे और उसके बाद में अगर आप नहीं पे करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और आपको अधिक जुर्माना भी पे करना हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप वर्चुअल कोड में आपका चला गया है और आप पे करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं बिना कोड जाए हुए, और किस तरीके से पे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आखिर हम अपने एक एंड्रॉइड फ़ोन से किस तरीके से अपने चालान को घर बैठे ही बस 5 मिनट में पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले चालान चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर है मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और प्ले स्टोर में हम सर्च बार में लिख देंगे कार इन्फो ऐप्स, ठीक है, या फिर आप कार इन्फो ही लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कार और उसके बाद में इन्फो ऐप, ठीक है, ये आ गया लिखकर। अब ये एप्लीकेशन मैंने अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लिया है, पर ये अपडेट मांग रहा है तो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। अगर आपके फ़ोन में ये नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी कि इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उसके बाद में आप इसमें रजिस्टर हो जाइएगा अपने मोबाइल नंबर से। तो चलिए मेरे फ़ोन में ये इंस्टॉल यानी कि हो गया है और अपडेट भी हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। चालान पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब जिस भी गाड़ी का हमें चालान चेक करना है उस गाड़ी का हम यहाँ पर नंबर एंटर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी बाइक का जो नंबर है वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद में जो सर्चिंग है वो यहाँ पर हो रही है, और उसके बाद में जो भी डिटेल्स होगी चालान कटने से रिलेटेड वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जो पर्सनल जानकारी है मैंने यहाँ पर पूरी वीडियोस में छुपा दी है, चालान नंबर भी मैंने यहाँ पर छुपा दिया है और बाइक नंबर भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चालान हमारा कट चुका है, चालान नंबर को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ऊपर में हमें स्टेट कोड वर्चुअल कोड, तो हम जो वर्चुअल कोड में हमारा चला गया है तो हम वर्चुअल कोड पे सिंपली क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरा बरेली में कर रहा था उत्तर प्रदेश में, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद विजिट साइट पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर चालान नंबर एंटर कर देना है और इसी के साथ में व्हीकल नंबर, तो व्हीकल नंबर यानी कि हमारा गाड़ी का नंबर है वो हमारा यहाँ पर सबमिट हुआ हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पर अपना कैप्चा कोड को फिल करेंगे और हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से लोडिंग होगा, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, और आप वहीं से ही उस जो आपका चालान कटा हुआ है वो आप यहां पर पे कर सकते हैं। तो यहां पर आ रहा है यानी कि नॉट, यानी कि मैच, यानी कि यहां पर डाटा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास मैसेज आया हुआ है, हम उसमें हमारी लिंक मिली है क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस पर चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं और किसी भी ब्राउज़र में हम ओपन कर लेते हैं। तो हम इस लिंक पर सिंपली क्लिक करेंगे और URL पर हम सिंपली क्लिक करके और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर भी हम आ गए हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर हमें चालान नंबर और व्हीकल नंबर और DL देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हम चालान नंबर डालकर यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट कर देते हैं तो हमारे पास एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर OTP के लिए एंटर कर देते हैं, जैसे कि 48 और उसके बाद में 2080, ठीक है। तो आपको OTP यहाँ पर सही से डालना है और उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो आपका चालान है वो यहाँ पर सारी डिटेल नीचे में देखने को मिल जाएगी। मैंने इसे यहाँ पर थोड़ा छुपा दिया है प्राइवेसी को लेकर, ठीक है। आप इसे यहाँ पर देख भी सकते हैं, PDF फाइल को यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टेटस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद चालान स्टेटस देखने को मिल जाएगा। पे नाउ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, पेमेंट अमाउंट, और यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी बैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है
तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेना है और आपको टर्म कंडीशंस को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको 5 तरीके मिल जाते हैं SBI के, जो भी तरीका से आप पेमेंट कर सकते हैं वो आप यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। आपके सामने कुछ डिटेल इस तरीके से आएगी। कन्फर्म पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर कार्ड नेम डालेंगे। मैं यहाँ पर कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कार्ड नेम डाल दूँगा। उसके बाद में कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट कार्ड की और CVV पिन डालकर मैं यहाँ पर पे नाउ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा। हमारे जो बैंक खाते से नंबर जुड़ा हुआ है उस पर OTP आया होगा, वो OTP डालकर आपको यहाँ पर सबमिट या फिर पे पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर देखने को मिल गया है मेक पेमेंट, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में जो पेमेंट है वो हमारे अकाउंट से यहाँ पर कट चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चालान पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल दिखा रहा है। ठीक है, डेट और यहाँ पर अमाउंट, ठीक है, स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको सिल्प यहाँ पर निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर सिल्प भी निकाल सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ गया है, तो आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। चालान पेमेंट और हैव बिन रिसीव सक्सेस, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर चालान नंबर और इसी के साथ में व्हीकल नंबर, पेमेंट और आपको पेमेंट डेट वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो पेमेंट है हमारी यहाँ पर कंफर्म यहाँ पर हो चुकी है क्लियर। और उसके बाद में नीचे में हमें रिसीप का, यानी कि जो हमें स्लिप वगैरह निकालने का, यानी कि प्रिंट अगर आप करना चाहते हैं, इसे अपने प्रूफ के तौर पर रखना चाहते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं है, मैं इसे PDF फाइल में ही इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ही रख लेता हूं। और तो चलिए, मैं यहां पर इसे डाउनलोड करके रख लेता हूं PDF फाइल में। ठीक है, तो मैंने इस पर सिंपली क्लिक किया और मैंने यहां पर सेव कर लिया। उसके बाद में डाउनलोड पे सिंपली क्लिक किया और मैं यहां पर अपनी PDF फाइल को ओपन करके यहां पर सब कुछ देख सकता हूं। ठीक है, अगर कोई भी आता है, कोई भी अधिकारी या आपसे पूछताछ होती है, तो आप इसी चालान के प्रिंट को दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक मोबाइल से ही चालान को घर बैठ के ही पे कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि और चालान पेमेंट हैव बीन सक्सेसफुल, ठीक है, डन। तो चालान नंबर आपको देखने को मिल जाता है यहां पर एंड टोटल चालान, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं, अपने चालान को यहां पर भर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।